दोस्तों कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि एयरटेल की एपीएन सीक्रेट सेटिंग्स है। दोस्तों एयरटेल की सीक्रेट सेटिंग्स थी एपीएन की, जिसको लगा के 30-35 एमबीपीएस तक की स्पीड मुझे मिल रही थी। लेकिन वो वीडियो अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। मुझे 500 सवाल आए, लोगों ने थैंक्स भी बोला, लेकिन ज्यादातर लोगों को वो सेटिंग काम नहीं कर रही थी, क्योंकि जो सेटिंग्स होती है वो कहीं कहीं पे काम नहीं करती है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एयरटेल के सर्कल्स पे अलग अलग सेटिंग्स होती है। और अब बात कर लूं तो मुझे खुद को दोस्तों, अगर मैं सेटिंग यूज करता हूं तो मुझे 3-4 एमबीपीएस, मैक्सिमम 5-6 एमबीपीएस से ज्यादा स्पीड जो है मुझे अभी नहीं मिल रही है। लेकिन दोस्तों फरवरी महीना चल रहा है, फरवरी का दोस्तों ऑलमोस्ट एंड आना है, 2019 स्टार्ट हो चुका है। अब जो है दोस्तों एक नई एपीएन सेटिंग मुझे मिली है, और वो बता दूं मेरे एयरटेल के एक फ्रेंड है, उन्हीं से मिली है, जिसमें मेरी स्पीड जो है दोस्तों मैं 30-40 एमबीपीएस तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो 3-4 एमबीपीएस 5 एमबीपीएस की स्पीड है उसको उसने ऑलमोस्ट डबल कर दिया। 8-9 एमबीपीएस से लेकर 12-13 एमबीपीएस तक मुझे स्पीड अब मिल रही है। तो दोस्तों ये सीक्रेट एपीएन सेटिंग मिली है, तो मैं आपको लाइव डेमो दूंगा, बताऊंगा कि जो पुरानी वाली सेटिंग थी उससे भी मुझे क्या स्पीड मिल रही है, और जो नया सेटिंग जो मुझे एपीएन सेटिंग में आपको बताने वाला हूं उसमें मुझे क्या स्पीड मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फैंस सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को, और उसके पास ही घंटी का बटन दिखता है उसे जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों तो फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया कि हमारे लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो एपीएन सेटिंग बताई थी उस एपीएन सेटिंग में ज्यादातर मोबाइल सपोर्ट नहीं करते थे। ज्यादातर लोगों ने मुझे बोला कि सर ये हमारे फोन में सपोर्ट नहीं करी। फिर से बता दूं दोस्तों ये स्टैंडर्ड एपीएन सेटिंग नहीं है, हर एयरटेल के सर्कल पे हर स्टेट में हर अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग सेटिंग्स होती है। ये हो सकता है कि शायद तक आपके मोबाइल में सेट कर जाए, शायद तक ना करे दोस्तों, तो अगर करती है तो बेस्ट है, अदरवाइज आपकी डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग जो है वो तो काम कर ही रही है। तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वो अभी मेरे फोन में है दोस्तों, तो मैं आपको लाइव डेमो देता हूं, बताता हूं कि पहले जो मेरी सेटिंग्स थी उसमें मुझे क्या मिल रहा है, अभी क्या स्पीड मिल रही है। क्योंकि पहले जब मैंने आपको बताया था जब 30-35 एमबीपीएस की स्पीड आती थी, अब लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जियो तो मेरे एरिया में बिल्कुल भी नहीं आता, एक या डेढ़, हार्डली एक डेढ़ एमबीपीएस मिलता, लेकिन एयरटेल जो है दोस्तों मुझे 4-5 एमबीपीएस की स्पीड अभी दे रहा है, लेकिन वो बहुत कम हो चुकी है। पहले 30-35 एमबीपीएस मिलती थी, लेकिन अब नई सेटिंग्स मुझे मिल चुकी है दोस्तों, जो मुझे 7 एमबीपीएस से लेकर 10-12 एमबीपीएस मतलब ऑलमोस्ट डबल कर देती मेरी स्पीड को। तो चलते फटाफट से मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर आपको लाइव डेमो देता हूं कि दोनों सेटिंग्स में क्या फर्क है, और आपको लेटेस्ट सेटिंग्स बताऊंगा एपीएन की सीक्रेट सेटिंग्स, जिससे डेफिनेटली आपकी जो स्पीड होगी दोस्तों बढ़ जाएगी। तो चलिए फटाफट से मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे, अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सेटिंग्स में जाके। सबसे पहले तो मैं आपको एक कंफर्म कर देता हूँ कि ये एयरटेल का मेरा सिम है दोस्तों, फर्स्ट सिम है मेरा। कुछ लोग बोलते हैं वाईफाई की स्पीड चेक करके बता दो, दोस्तों ये एयरटेल है, 4G LTE मेरा चलता है, आप देख सकते हैं एयरटेल का सिम स्लॉट में जाता हूँ यहाँ पे, और एक्सेस पॉइंट में जाके पहले मैं आपको मेरी पुरानी जो सेटिंग्स है दोस्तों, जो मैं आपको 2 महीने पहले बताई थी, जिससे मुझे 30-35 एमबीपीएस मिल रही थी, लेकिन अब वैसा नहीं है, 5-7 एमबीपीएस से मैक्सिमम 7-8 या 9 एमबीपीएस तक जाता है दोस्तों ये अब, ठीक है थोड़ी गिरावट आई। लेकिन नई एपीएन सेटिंग बताने से पहले पुरानी आपको बताता हूँ, ये पुरानी वाली सेटिंग्स आप देख सकते हैं जो किसी किसी लोगों पे काम कर जाती है, लेकिन कुछ कुछ सर्कल्स पे ये चीज़ें काम नहीं करती फ्रेंड्स, और कुछ कुछ हैंडसेट पे भी ये काम नहीं करेगी। फिर से बता दूं मैं आपको, यहाँ पे देखेंगे सारी की सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी दोस्तों। यहाँ पे आपको जो बैरियर था अनस्पेसिफाइड किया था हमने, और यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो नाम था दोस्तों एयरटेल, और एपीएन जो आपका ATL GPRS.com आपको यहाँ पे रखना था, बाकी एपीएन टाइप जो था डिफॉल्ट और SUPL आता है, ये 3-4 चीज़ें थी जिसके हिसाब से आपकी सेटिंग्स यहाँ पे हो गई थी। अब मैं यहाँ पे पहले आपको इसकी स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि इसमें स्पीड क्या आती है दोस्तों पुरानी वाली सेटिंग के हिसाब से, अभी मुझे स्पीड क्या मिल रही है। और आप ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ कोई वाईफाई वगैरह नहीं है, क्योंकि लोग मुझे बोलते देख सकते हैं सर्वर जो फाइंड कर रहा है भारतीय एयरटेल लिमिटेड अहमदाबाद ATL LTE, अब इसके अंदर क्या दोस्तों झोल है मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। लोग बोलते हैं कि वाईफाई टेस्ट करके दिखा रहा आपके सामने, कुछ दिमाग लगाइए उन लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है ये। अब यहाँ पे मैं जाके दिखाता हूँ कि अभी मुझे फिलहाल क्या स्पीड मिल रही है पुरानी वाली सेटिंग के हिसाब से, वो भी बढ़िया थी दोस्तों, अभी भी लोगों को अच्छी स्पीड आ रही है। लेकिन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो स्पीड अभी है, जो पहले 30-35 एमबीपीएस आती थी वो 5-6 एमबीपीएस के बीच में रह गई है, कभी कभी तो 2 एमबीपीएस आती है, लेकिन मैक्सिमम 5-6 एमबीपीएस से ज़्यादा ये स्पीड नहीं जाती। आपके सामने दोस्तों टेस्ट चल रहा है, देख सकते हैं ये 5-6 के नीचे ही घूम रही है, उससे ज़्यादा नहीं गई है, 5.77 इसकी डाउनलोड स्पीड अभी मुझे मिल रही है। और अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अपलोड स्पीड की, अपलोड स्पीड तो बहुत गंदी आती है, मतलब ज़्यादा 2 एमबीपीएस से ज़्यादा कभी भी नहीं जाती यहाँ पे। और मुझे अपलोड स्पीड से वैसे ही प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपलोड स्पीड तो वैसे भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर एयरटेल की कमी जाती है, आइडिया सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 2 एमबीपीएस की स्पीड आई, 2.11 एमबीपीएस की मुझे यहाँ पे अपलोड स्पीड मिल रही है। तो दोस्तों ये तो बात होगी, आपके सामने देख सकते हैं जो पुरानी सेटिंग्स मैंने आपको बताई थी वो 5.77 एमबीपीएस की मुझे डाउनलोड स्पीड दे रही है, 2.11 एमबीपीएस की अपलोड स्पीड दे रही है। अब चलते हैं नई सेटिंग की तरफ, जो दोस्तों फरवरी महीने में दोस्तों मेरे को मिली है, मेरे दोस्त थे एयरटेल के अंदर, उन्होंने मुझे दी है, उससे डेफिनेटली मेरी जो स्पीड है डबल हो चुकी है। मैंने बोलूंगा
30, 40, 50 Mbps, लेकिन डबल हो गई है 8-9 Mbps से 10-12 Mbps, कभी कभी तो 20-22 Mbps भी मिलती है, लेकिन स्टैंडर्ड स्पीड जो है यहाँ पे मुझे 8-9 Mbps 10 Mbps की मिल रही है, जो डबल है ऑलमोस्ट। अब मैं पहले आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ कौन सी सेटिंग्स है, और उसके बाद हम करेंगे। यहाँ पे जाना है दोस्तों आपको सेटिंग्स के अंदर, एपल जा सकते हैं, सारी चीज़ आपको वैसे ही रखनी जो पहले से थी। यहाँ पे आपको देख सकते हैं सर्वर में आपको यहाँ पे सेटिंग करना है, सर्वर में दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है airtellive.com, देख सकते हैं airtellive.com मैंने लिख दिया, सेव कर दिया, सर्वर हो चुका है। अब यहाँ पे MMS पोर्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, जहाँ पे आपको लिख देना है 8080 आपको लिख देना है MMS पोर्ट के अंदर। उसके नीचे देखेंगे MCC है दोस्तों, MCC में 404 होना चाहिए, ऑलरेडी होगा, अगर नहीं है तो 404 कर देना। MNC है वो 98 होना चाहिए, ऑलरेडी है यहाँ पे। अब दोस्तों दो चीज़ आपको करनी है, APN प्रोटोकॉल यहाँ पे IPv4 लिखा है, उसको आप IPv4 IPv6 ये दोनों ही कर देने, दोनों कर देने IPv4/IPv6, ठीक है, ये दोनों आपके आ जाना चाहिए। अब बैरियर दोस्तों, बैरियर सबसे मेन चीज़ होती है यहाँ पे, अनस्पेसिफाइड पहले हमने कराया था, अब इसको हटा देना है, और इसके नीचे के 7 ऑप्शंस आपको यहाँ पे ओके कर देने, LTE, HSPAP, HSPA, HSUPA, HSDPA, UTMs, H, ये 7 के 7 जो है दोस्तों आपको कर लेने, 7 होने चाहिए, मैं बता दूँ आपको, देख सकते हैं ये 6 हैं और ये 7, ये 7 पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लिक कर देने, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये फाइनल हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, अब इसको सेव कर लेते हैं, अब इसको सेव कर लेते हैं फटाफट से, सेव कर देता हूँ, और कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पे गेम नहीं करनी है, हमारी नई सेटिंग सेव हो चुकी है। अब देखते हैं दोस्तों सेव होने के बाद, इसको आप 1 सेकंड दीजिए, 5-10 सेकंड, उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है स्पीड। आप देख सकते हैं अभी मैं स्पीड चेक करूँगा दोस्तों, और आपको दिखाऊँगा मेरी स्पीड क्या यहाँ पे आ रही है। फिर से चलते हैं दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर, आप देख सकते हैं स्पीड टेस्ट करते हैं, पुरानी हमारी स्पीड जो हमने आपको दिखाई थी पुरानी सेटिंग के हिसाब से 5.77 Mbps थी डाउनलोड, और अपलोड स्पीड थी 2.11। अब चलते हैं अब देखते हैं नई वाली सेटिंग के हिसाब से, अभी नई सेटिंग्स दोस्तों चल रही है उसके हिसाब से क्या स्पीड आएगी, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि 9 Mbps से ज़्यादा की ही स्पीड यहां पे देती है। अरे वाह, आप देख सकते हैं यहां पे आप 12-13 तक गई, अब स्पीड थोड़ी नीचे आई, लेकिन ये 9 Mbps 8-9 Mbps 10 Mbps कहती है। मैं एक बार नहीं, इसको मैं 5 बार आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा क्या स्पीड यहां पे एक्चुअल में आपको मिल रही है, और देखेंगे इन दी एंड ये 9.25 तक ही खड़ी हुई है, 9.25 Mbps आपको यहां पे मिल रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अभी अपलोड स्पीड भी दोस्तों यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ चुकी है, जहाँ पे 2 Mbps आती थी यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.5 Mbps की मुझे अपलोड स्पीड भी यहाँ पे मिल रही है, जो एक अच्छी बात है। नई सेटिंग दोस्तों एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ, सबसे पहले इंडिया के अंदर YouTube पे दोस्तों एयरटेल की ये स्पेशल सेटिंग से 9.18 Mbps, मतलब ऑलमोस्ट डबल जितना मुझे हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे अपलोड स्पीड भी ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे कर दी गई है। फिर से करते हैं दोस्तों, देखते हैं 3-4 बार आपको करके दिखाऊंगा दोस्तों। फिर से देख सकते हैं यहाँ पे एयरटेल LTE भारतीय LTE का नेटवर्क देख सकते हैं, कोई वाईफाई या कोई ट्रिक ऐसी नहीं है जिससे कुछ लोग यहाँ पे बताते हैं कि सर ये तो वाईफाई था, फलाना था, ढीकना था। पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मुझे बताया करिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं स्पेशल दिमाग वाले। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अब ये फिर से मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे इस बार थोड़ी स्पीड गिरी है डेफिनेटली, लेकिन ये फ्लक्चुएशन करती है दोस्तों, लेकिन डेफिनेटली आपको स्टैंडर्ड जो स्पीड होती है वो 9-10 Mbps की आपको यहाँ पर मिल जाती है। अपलोड स्पीड दोस्तों देख सकते हैं, फिर से आप यहाँ पे मैं आपको फिर से 3-4 बार करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा दोस्तों कि एवरेज क्या स्पीड यहाँ पे आ रही है, और डेफिनेटली दोस्तों मुझे 9-10 Mbps की स्पीड यहाँ पे आराम से मिलती है। फिर से करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे अपलोड स्पीड यहाँ पे 2.06 आई है। अब यहाँ पे फिर से करते हैं, तीसरी बार टेस्ट करते हैं कि क्या स्पीड दोस्तों यहाँ पे मिल रही है। डेफिनेटली दोस्तों फिर से बता दूँ, जब तक ये चेक कर रहा है कि ये जो सेटिंग्स है ये कुछ कुछ सर्कल्स पे एयरटेल में काम करती है, हो सकता है आपके सर्कल पे आपके स्टेट में काम कर जाए, हो सकता है कि आपके स्टेट में काम ना करें, तो प्लीज़ दोस्तों आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये स्पीड मेरे यहाँ तो काम करती है। और डेफिनेटली देखेंगे यहाँ पे अभी स्पीड थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है दोस्तों, यहाँ पे मैं 2-4 बार आपको करके दिखाऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि कभी कभी मैं आपको लाइव डेमो दे रहा हूँ दोस्तों, इसलिए हो सकता है अभी 2 Mbps दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर मुझे 9, 9.5, 10 Mbps 15-17 Mbps की भी स्पीड मुझे यहाँ पे मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं कोई भी कट नहीं रख रहा हूँ मेरे वीडियो के अंदर जो आपके सामने दोस्तों, क्योंकि जब टेस्ट करते हैं तो हमेशा से आपको एक स्टेबल स्पीड नहीं मिलती है, ज़्यादातर दोस्तों आपको ऊपर नीचे स्पीड मिलती है। मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कौन सी स्पीड आपको हमें मिल रही है। मैं 4-5 बार आपको डेमो देने वाला हूँ दोस्तों, बिल्कुल टेंशन मत करिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि इस सेटिंग्स के अंदर कितना दम है। आप देखेंगे अब स्पीड ग्रो करी है,
अब देखेंगे यहाँ पे स्पीड 6-7 से ऊपर जा रही है दोस्तों। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, स्पीड जो होती है फ्लक्चुएट करती है आपके एरिया में कितने लोग यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन एपीएन सेटिंग अगर आपकी सही है तो डेफिनेटली आपको स्पीड अच्छी मिलेगी। अब देखेंगे 8-8.5 MBPS के ऊपर तक जा रही दोस्तों, ये 15-16-17 MBPS तक जाती है फ्रेंड्स। देखेंगे इस बार 8.5 MBPS की स्पीड आई है, हम फिर से लास्ट बार एक बार फिर से चेक करेंगे, फिर से आपको दिखाऊंगा दोस्तों। एवरेज स्पीड दोस्तों मुझे 7-8-9 MBPS 10 MBPS की मिलती है, जो मुझे पुरानी जो थी दोस्तों मुझे वहां पे 2 MBPS से 5 MBPS मिलती थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पे 8.5 से 10 MBPS और कभी कभी तो 15-17 MBPS मिलती है, लेकिन 8-8.5 MBPS मुझे एवरेजली यहाँ पे मिल जाती है। अब फिर से लास्ट बार चेक करके देखते हैं कि एक्चुअल में स्पीड कितनी आ रही है दोस्तों, 4 बार कर चुका हूँ, 5वीं बार आपको कर रहा हूँ आपके श्योरिटी के लिए। आप देखेंगे स्पीड फिर से दोस्तों यहाँ पे 7-7.5 MBPS हो चुके हैं, 8.5 MBPS नॉइस से भी आगे जा रही है दोस्तों, 10.5 को क्रॉस कर चुका है, 11.5 को क्रॉस कर चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं 12.5 को क्रॉस कर चुका है यहाँ पे, 13.5 14 दोस्तों यहाँ पे 15 को भी क्रॉस कर चुका है आपके सामने दोस्तों, 15.5 MBPS देख सकते हैं, 15.97। तो दोस्तों यहाँ पे अपलोड स्पीड आप देखेंगे ये भी दोस्तों यहाँ पे 4.5 MBPS 5 MBPS समथिंग की दिखा रही है, इसका मतलब मैंने आपको बताया तो दोस्तों थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा, डेफिनेटली हमेशा से कंटिन्यूशन नहीं चलती, लेकिन डेफिनेटली एवरेज स्पीड जो होगी दोस्तों आप देख सकते हैं अपलोड स्पीड जो थी दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1.5 MBPS आती थी, इसको 4.5 MBPS यहाँ पे कर दिया गया और 16 MBPS की दोस्तों आपको यहाँ पे डाउनलोड स्पीड मिल रही है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि 16 मुझे कंटिन्यूसली मिलने वाली है, लेकिन एवरेज स्पीड मुझे 8-8.5-9 MBPS मिलती है, जो मेरी एवरेज स्पीड जो पहले वाले APN में थी जो 3-3.5-4 MBPS की आती थी उसको दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल कर दिया गया है। हो सकता है कभी कभी 25 MBPS भी आपको मिल जाए आपके स्टेट के हिसाब से आपके सर्कल के हिसाब से। तो दोस्तों आज मैंने आपको लाइव डेमो दिया कि किस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे नई APN सेटिंग सेव कर लेनी है, मैं आपको नीचे भी बता दूंगा, प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए। फिर से बता दूं दोस्तों यहाँ पे कोई भी झोल नहीं है, ये APN सेटिंग दोस्तों हमेशा हर मोबाइल के साथ सूट नहीं होती, मैं फिर से बता दूं क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे 500 गालियां पड़ी कि सर हमारे मोबाइल में नहीं चल रहा है, सर हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये फेक है, फलाना न जाने क्या क्या आते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे ये सेटिंग करने से मुझे तो इंप्रूवमेंट मिला है, जो मेरी पुरानी वाली सेटिंग्स थी दोस्तों उसमें भी पहले मुझे मिलता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लोगों ने उसको यूज करना चालू किया वैसे वो APN सेटिंग पुरानी हो चुकी है, अब मुझे वो उस पुरानी सेटिंग से दोस्तों मुझे 3-3.5 MBPS से 5 MBPS तक की मुझे वहां पे डाउनलोड स्पीड मिलती है और अपलोड स्पीड ऑलमोस्ट 1.5 MBPS मिलती है, लेकिन ये नई सेटिंग चाहिए फरवरी महीने दोस्तों, फरवरी 2019 की एक्सक्लूसिव नई APN सेटिंग है, आप करके देखिए। अरे मैं फिर से बता दूं ये वेरी करेगा, हो सकता है अगर आप दिल्ली में मुंबई में कहीं दूसरी जगह पे तो हो सकता है कि ये सेटिंग्स आपके में काम ना करें, हो सकता है कि सेटिंग्स आपके काम कर जाते, ये दोस्तों प्योरली आपके लक पे है, अगर ये सेटिंग्स आपके फोन में काम कर जाती तो डेफिनेटली आपके साथ ये होने वाला है, एटलीस्ट आपको 8-9 MBPS की स्पीड यहाँ पे एवरेज मिलने वाली है और मैक्सिमम दोस्तों 20-25 MBPS की आपको स्पीड मिलेगी, जो एक अच्छी डील है। दोस्तों मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक थम्स अप जो दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उनको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे आए फ्रेंड्स, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे, उसके पास ही दिखेगा घंटी का बटन, उसको जरूर दबा देना, क्योंकि जब भी मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसका एक्सेस, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ, एक नई ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।